करो करो डांसी डांसी Glad you found us today and welcome back to my channel. एक vlog मैंने end किया है और एक vlog मैंने start कर दिया है and today is Monday. आज मैं तुषिका को लेके गई थी summer camp और अब ना evening almost होने वाली है, हो ही गई है. बस गर्म इतना है ना कि इवनिंग नहीं लगती है, इवनिंग आफ्टरनून लगती है. तो हम लोग यहाँ पे कल आ गए थे. हम लोग ना पता संडे को आ गए थे यहाँ पे. तो संडे को खाली हम लोग नहीं आए थे, मेरे साथ मीनाक्षी और वरेनियम आए थे. तो हम चारों लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, लाइक वरेनियम, मीनाक्षी एंड त्रिशिका और मैं कल से यहाँ पे घर पे, हमारे घर पे. एंड आज मंडे है और कल ट्यूसडे, तो कल आएंगे राहुल वापस. तो अभी फिलहाल हम लोग मीनाक्षी को हम लोगों ने रोका हुआ है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा लाइक एक सपोर्ट रहता है, क्योंकि हम लोग कभी भी ऐसे अकेले नहीं रहे. तो जस्ट फॉर अ सपोर्ट एंड थोड़ा सा मीनाक्षी का भी चेंज हो जाएगा एंड वरेनियम का भी चेंज हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे आए हैं उन लोगों को लेके एंड वो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं. और अभी क्या का सीन है कि मैं त्रिशिका के हॉलीडे वर्क स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या स्टार्ट किया. क्या सबसे पहले लेट मी शो यू द स्टेशनरी एंड ऑल अबाउट द होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क आई एम गोना शेयर विद यू एंड स्क्रैप बुक्स वगैरह है, ये सब है. तो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे त्रिशिका का हॉलीडे वर्क कर रही हूँ. हो सकता है मेन वीडियो ना स्क्रैप बुक कैसे डेकोरेट करते हैं या फिर ऑल दैट आपको त्रिशिका के चैनल पर मिल जाए, बट अगर नहीं मिली तो इस चैनल पर तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी. साथ साथ मैं दिखाऊँगी कि हम लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं वरेनियम के बर्थडे की. और आपको स्नीक पिक मैं अपनी ड्रेस में जो मैं पहनूंगी एंड कलर बताऊंगी आपको कौन सा पहन रही हूँ मैं वरेनियम के बर्थडे में. एंड दैट्स इट. तो वेलकम बैक एंड देखिए अब आज आगे का व्लॉग. एंड त्रिशिका की तबीयत बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो चुकी है, त्रिशिका बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, बट वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी लग रही है. एंड ये एपिसोड्स आ रहे हैं तो मैंने डॉक्टर से डर के बारे में पूछा, मेरे पास डॉक्टर इसको ये इतना बीमार क्यों कर रहे हैं. डॉक्टर कह रहे पर इतनी गर्मी है ना कि बच्चे सभी बीमार पड़ रहे हैं, डायरिया के एपिसोड्स, देन कोल्ड एंड कफ का एपिसोड्स, ये सब बच्चों में हो रहा है. नथिंग टू वरी, इट इज़ नॉट लाइक इंटरकनेक्टेड. एंड फीवर बेसिकली अच्छी का को ना हॉलीडे वर्क मिला है. मैम ने शीट्स दी थी सब बच्चों को, इस पर मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बहुत ही प्रिटी वाली एक सेलो टेप लगा दी है, एजेस बना दिए, बॉर्डर बना दिया बेसिकली. और अब त्रिशिका इसमें करेगी लाइक रेंडम, इसको स्क्रिबलिंग करनी है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स सी त्रिशिका क्या ड्रॉ करती है. एंड यूज ऑल द कलर्स त्रिशिका. ब्राउन यू आर स्टार्टिंग विद, ओके स्टार्ट. यू आर स्टार्टिंग विद ग्रीन, ओके स्टार्ट. तो Which one? Okay. Okay, ठीक है, स्टार्ट. बनाओ बर्ड्स, बनाओ. नहीं रब नहीं होगा, कुछ भी बना लो, रब नहीं होगा, बस. अब रब नहीं कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो. तो मैं सब दिखाती हूँ त्रिशिका क्या बना रही है. त्रिशिका ड्राइंग करनी है, कुछ भी ड्राइंग करो. कुछ नहीं होता, जो भी आए. हाँ ठीक है, मैन बना दो, फिगर बना दो, डू एनी थिंग, ट्री बना दो, फ्लावर बना दो, कुछ भी बना दो. पूरा पेपर आपके पास. हाँ ओके, बना दो, बना दो. मेक दूसरा यूज करो. बहुत प्रिटी मास्टरपीस बना दिया, देखो. Thank you.
दिस इज वॉट शी हैज़ मेड. आई हैव अलाउड हर टू यूज क्रेयॉन्स बिकॉज स्केच पेन अभी मैंने दिए नहीं है और मेरे को टाइम भी नहीं है लाने का. तो कुछ ये आई थिंक नीचे इसने ए बी सी डी लिखा है, पता नहीं यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है. फिगर्स इसने ज़्यादा बनाई है एंड जो भी बनाया मैंने उसको रोका नहीं है. फिर एक फिगर इधर है, फिर एक फिगर इधर है, फिर इधर भी कुछ है. ये आई थिंक सन बनाया है इसने ग्रीन कलर में. तो ये सब दृश्य का इधर भी कुछ बनाया, आई डोंट नो व्हाट इट इज. ये उल्टी ए बी सी डी लिखी है, बी उल्टा लिखा है इसने सब जगह. तो फिलहाल शी हैज़ मेड दिस एज अ मास्टरपीस और अच्छा लग रहा है. इसको मैं पैक करके रख देती हूँ, फर्स्ट हॉलीडे होमवर्क डन. सो गाइज, दिस इज़ द सेकेंड हॉलीडे होमवर्क जिसमें हमको इमोशंस बेसिकली त्रिशिका को कलर कराने हैं. जिस भी तरह का वो इमोशन है वो उस समय पे त्रिशिका कैसा फील करती है एंड उसको किस कलर से रिलेट करती है. तो बेसिकली यही हॉलीडे होमवर्क है. एंड बिकॉज त्रिशिका की तबीयत ठीक हो गई है, मैंने वापस से त्रिशिका को समर कैंप भेजना स्टार्ट कर दिया है. राहुल नहीं थे तो मैं ही लेके जा रही थी और लारे पापा थे, पापा मम्मी. एंड यहाँ पे त्रिशिका ड्रॉ कर रही है, ड्राइंग बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती है त्रिशिका के समर कैंप में एंड शी रियली इन्जॉयज इट. हेलो गाइस, हम प्ले प्ले एंड हम झूला चलाता एंड क्योंकि वो सो रही है ना तो मैं अभी आराम से कटिंग एंड ऑल कर लूँगी त्रिशिका को. हॉलीडे होमवर्क नंबर 3, मैंने 2 हॉलीडे होमवर्क ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए हैं. ये अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इनको कट एंड पेस्ट करके स्क्रैप बुक पे लाइक पेस्ट करना है. तो डी फॉर जो भी होता है डोनट एंड डाइनो एंड डॉल एंड ड्रम एंड नीचे डॉग, ये नीचे डॉग. तो इनको मैं कट कर रही हूँ और उसके बाद फिर स्क्रैप बुक पे पेस्ट करेंगे. तो फिलहाल ये है इसका थर्ड हॉलीडे होमवर्क, ये मैं पेस्ट कर रही हूँ. एंड मैंने ए पेस्ट कर दिया है, ए फॉर ये सब. वैसे त्रिशिका को करना था बट मुझे पता है ये वाला जो पेस्ट वाला है ना ये करनी पड़ेगी, तो उसको मैं कर रही हूँ. मैं जो बीच में अल्फ़ाबेट्स जो लगाने होंगे ना, मेरे पास अल्फ़ाबेट के ये वाला है, तो जब ये वाला लगाना होगा तो मैं इसको तब उठाऊँगी त्रिशिका को, तब ये लगाएगी लाइक बीच में. तो उसका ये हो जाएगा कि इसने भी हॉलीडे होमवर्क किया है. तो फिलहाल व्हाट आई एम गोना डू इज बस मैं पेस्ट कर रही हूँ, जैसे सी फॉर कैप होता है तो इधर कहीं मैं कैप लगा देती हूँ लाइक दिस. ये क्या कैप, सारे अल्फाबेट्स हैं मेरे पास, सब कुछ है. सी फॉर कैट हो गया जैसे, तो इसको भी मैं कहीं यहाँ कहीं लगाती हूँ लाइक दिस. पूरा हो जाता है फिर आई विल शो यू. नेक्स्ट हमारा टारगेट है कवर चढ़ाने का एंड मैं चढ़ा रही हूँ. मौसम बहुत अच्छा हो गया बाहर, हवा चल रही है ठंडी ठंडी. कैसे दिखेगा आपको, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा शायद. एंड त्रिशिका अभी भी सो रही है, लाइट गई हुई है, एसी नहीं चल रहा है. त्रिशिका अभी भी सो रखी है उधर, तो मैं फटाफट से कवर चढ़ाती हूँ. लाइक मेरी वीडियो बनाते बनाते पेस्ट भी कर दिया ए सी. नेक्स्ट बी फाइंड, यहाँ पे पेस्ट करना है बी है मिडल में. अच्छू से वेरी गुड. See, take out C and paste here. Ah, this is C. Where is C in this? Where is C in this? C, paste this. Very good. And last D. Where you will paste D? There. Okay, paste. यहाँ पे नहीं, इनके ऊपर नहीं करना है आपको, अलग से यहाँ पे करना है. ये डन, बस बस इतना ही था. तो लेट्स से सी ए फॉर एप्पल, एक्वेरियम, एली गेटर, एरो एंड एरोप्लेन. And B for bee, beer, banana, bell and C for cap, onion. नहीं अनियन नहीं, cabbage है. Cabbage, chocolate, tatty, tart.
Yes, yay! And last, D for tomato. Yes. No. ये तो शिशिका का फेवरेट है. Donut. Very good. Doll. What is this? What is this? Doll. Very good. And this? Dumru. Dumruri drum. Drum. Yes. Done. ये बाकी स्कूल में मैम करेंगी. The next day. So guys, मैं बना रही हूँ पोहा. मैं ना पोहे में बहुत थोड़ा पानी मिलाती हूँ और ऐसे सूखा सूखा रखती हूँ. भीग गया है अब ये. ये है चीनी. वैसे मैं इसमें चीनी नहीं, मैं गुड़ डालती हूँ, बट गुड़ मेरे को आज मिल नहीं रहा है. मेरे को ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गया मेरा जो गुड़ है. अभी एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें जाना बाकी है, जो है नींबू. बट उसके लिए थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर दूँ. एंड इट्स डन, रेडी टू ईट. राहुल आ गए थे, मैं बताना भूल गई आप लोगों को. और गाइस, आज मैं आपको मौसम दिखाती हूँ आज का. त्रिशिका को भेज दिया है मैंने समर कैंप. 10 के करीब हो रहे हैं, बट ठंडी ठंडी हवा चल रही है. रात भर बारिश हुई है, मौसम हो गया ठंडा और आसमान में है काले बादल. पर मेरी बालकनी गंदी हो चुकी है क्योंकि कल बारिश हुई है. थोड़ी सी धूप तो आई है हल्की सी, बट कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, मौसम ठंडा ही रहेगा आज. और 12 बजे के बाद फिर से बारिश भी दिखा रखी है. और घर का पूरा काम हो चुका है मेरा, झाड़ू पोछा एवरीथिंग. त्रिशिका को सैटरडे संडे मंडे सिखा रही हूँ मैं. तो झाड़ू पोछा करने के बाद ना कुछ इस तरह से डिसबैलेंस हो जाती है चीज़ें, जो कि अभी मुझे करना है. बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा लिटरली. एंड टाइम दिखा दो, 11 बजने वाला. राहुल आ रहे हैं त्रिशिका को वापस छोड़ के, अभी तक पहुँचे नहीं है. मैं फ़ोन करके पूछती हूँ कहाँ है. तो मैं यहाँ पे त्रिशिका का होलोडोमक दिखाती हूँ. तो ये है इमोशंस का जर्नल त्रिशिका का, जो हमें बनाना था. तो मैंने ये सब ड्रॉ किया है. यहाँ पे आपका दिखेगा नहीं मैंने क्या लिखा है, बट ये मैंने ड्रॉ किया है त्रिशिका का. और ये जो त्रिशिका, एक सेकेंड त्रिशिका, वेट मम, हाँ एक मिनट दिखाती हूँ अभी, वेट. एंड जो त्रिशिका ने कलर्स किए थे ना बेसिकली इमोशंस पे, उनको मैंने लाइक इसके वर्ड्स में डिस्क्राइब करके मैंने यहाँ लिख दिया है. साथ में मैंने कुछ डूडल आर्ट भी करी है, सो दैट थोड़ा सा अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे. बस मुझे यहाँ पे एक सेलो टेप लगाना बाकी है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि मेरे पास है ऑलरेडी. बट कुछ इस तरह का मैंने काम, जैसे सैड है तो क्यों सैड फील कर रही थी, फीलिंग सैड टुडे, डैडी गोइंग ऑन अ ट्रिप, आई विल मिस हिम. तो बेसिकली इस के तरह से है. आपको हर वीक एक इमोशंस पे कलर करना है. एंड इमोशन कलर करने के बाद, ये ज़रूरी नहीं था करना, सिर्फ इमोशन पे कलर करना हॉलीडे वर्क है, बट मैंने इसको और इलैबोरेट कर दिया सो दैट मैं आपको पता चल पाए कि ये सैड क्यों थी. बाकी पेरेंट्स भी आई थिंक इसी तरह ही कुछ कर रहे होंगे. जैसे यहाँ पे त्रिशिका फियर है, तो क्यों डर रही थी त्रिशिका, तो आई फॉल सिक एंड थॉट ऑफ टेकिंग मेडिसिन स्ट्राइकिंग फियर इन टू माई हार्ट. क्योंकि त्रिशिका बीच में बीमार पड़ी थी 4th वीक में छुट्टियों के, एंड इस वजह से मैंने त्रिशिका का यहाँ पे ये फियर उसको करवाया. एंड इसने कलर अपने आप चूज़ किया फियर में, शी हैज़ यूज्ड रेड कलर. तो बेसिकली ये रिलेशन दिखा रहा होता है कि इमोशंस के साथ आपको कलर क्या समझ आता है. डैडी इज़ बैक एंड ऑल दैट, तो सरप्राइज क्यों है 5th वीक में. एंड लास्ट 6th वीक है, एंगर क्यों आ रहा है, मतलब एंग्री क्यों हो, क्योंकि ये समर कैंप नहीं जा पाई थी, एक दिन रेन हो रही थी, तो दैट्स वाई. तो बेसिकली ये मैंने इसकी स्क्रैप बुक बनाई है. इतना मैम लोगों ने बोला नहीं है, बट हम 2-3 पेरेंट्स हैं ना, हम लोगों में डिस्कशन हुआ है. एंड आफ्टर दैट ओनली आई हैव डिसाइडेड टू लाइक मेक इट लाइक दिस. एंड द अदर स्क्रैप बुक इज़ हेयर, जिसको मैंने ब्लू कलर, पिंक, सॉरी वाइट शीट से पहले मैंने उसको कवर किया है, एज़ यू कैन सी. एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ना ये वाली शीट्स जो आती है ना, ये वाली जो A4 शीट्स होती है कलर्ड वाली, तो उनमें से मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लगाया. इसमें सेम ऐसे पर्पल लगाया, वैसे मैंने वाइट शीट से ही इसको भी मैंने कवर किया था लाइक दिस.
जैसे आप देख सकते हो। और इसके बाद फिर मैंने कवर चढ़ाया है ब्लू पे, और इस पे भी मैं कुछ बनाऊंगी, बिकॉज ये वाला जो है ना वर्क वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो त्रिशिका ने ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल बनाया था इस तरह से। तो इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, ऐसे बहुत ब्लैंक लग रही है बट ज़्यादा नहीं करूँगी, बिकॉज ये बाकी कंटिन्यूएशन में स्कूल में वर्क होगा, लाइक डी के बाद ई एफ जी तक आई थिंक या तो विंटर वेकेशन में वर्क होगा या फिर स्कूल में मैम कराएंगी। तो मैम ने स्पेशली हॉलीडे वर्क पर लिखा था कि कुछ इस तरह की बुक खरीदी है जिसके पेजेस काफ़ी हो, लाइक 26 से ऊपर हो, सो दैट स्कूल में कंटिन्यूएशन में वर्क इन प्रोग्रेस में ये वाला वर्क हो पाए। तो इसको मेरे को ये डेकोरेट करना है, क्योंकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना अच्छी बात होती है। या तो मैं इस वाले पेज पे करूँगी या फिर इस वाले पेज को भी मैं डेकोरेट करूँगी, लेट्स सी कैसे होता है। चलिए करते हैं फटाफट से इसको डेकोरेट। आज का वर्क है सारा, देखो मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ, प्लस त्रिशिका का पुलाव भी है, साथ साथ त्रिशिका को खिलाऊंगी भी, एंड मैंने छोटा कैनवस त्रिशिका को दिया है सो दैट ये भी मेरे साथ एंगेज होके कलर्स लाइक कर सके, एंड यहाँ पे बैठ के त्रिशिका भी ड्राइंग कर रही है। सो गाइस, दिस इज द स्क्रैप बुक जो मैंने बनाई है, एंड ये बनाया है मैंने। अभी वाइटनर से इसके चीक्स पे 3 डॉट वाइट के आएंगे और आईज़ में वाइट के डॉट्स आएंगे। मुझे वाइटनर मिल नहीं रहा है, त्रिशिका ने कहीं रख दिया है, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। बट बेसिकली ये रहा, त्रिशिका का नाम आ गया इधर और अंदर ब्लैंक छोड़ा है। वैसे मैं यहाँ पे ये पेस्ट करके इधर ए बी सी डी ऐसे सारे अल्फ़ाबेट्स लिखने का प्लान कर रही हूँ, बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बाकी ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, कुछ इस तरह से है ये, एंड उसके बाद ये सेकंड बुक है इमोशंस वाली, और ये भी मैंने दिखा दी थी आपको। तो ये फ़िलहाल 2 हॉलीडे होमवर्क हो गए हैं त्रिशिका के, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है।